शराब बंदी पर शव हुआ शरीर, लोकायुक्त की मांग पर उम्र गई भी, वो मांग जो तब धरी रह गई, क्या अब वो मांग पूरी भी होगी? छाबड़ा की मौत का जिम्मेदार कौन? अपनी मांगों पर अड़ी रहे पूर्व विधायक गुरुशरण छाबड़ा की मृत्यु हो गई, लेकिन सवाल है कि क्या उनकी मौत के बाद उनकी मांगे पूरी होंगी? क्या प्रदेश में शराब पर पूरी तरीके से पाबंदी लगेगी और क्या मजबूत लोकायुक्त कानून बनाया जाएगा? आज ब्रेक बुलेटिन में बात हम इसी मुद्दे की करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। कई बार अनशन और हर बार अनशन में शामिल हुए पूर्व विधायक गुरुशरण छाबड़ा, वो चाहते थे कि प्रदेश में पूरी तरह शराब पर बैन लगे और अपनी मांगों के लिए वो लगातार अनशन करते रहे, लेकिन उनकी मांगों का असर दिखता उससे पहले ही वो दुनिया छोड़ गए। का कारण थ्रोम्बोसिस नाम की एक बीमारी है, लंग ब्लड में जो सप्लाई होती है जी। उसके कारण से प्लोमनरी एम्बोलाइसिस हुआ इनके, डीप वेन थ्रोम्बोसिस जिसको कहते हैं, उसके कारण से खून का थक्का जाके मस्तिष्क की वेन में जमा और उसके कारण से मस्तिष्क में ब्लड सप्लाई बंद हुई। डॉक्टरों की राय के अनुसार मुझे जो बताया गया उसके कारण से ये है। हमें बहुत अफसोस है, गहरी संवेदनाएं हैं, मन में वेदनाएं हैं गुरुशरण छाबड़ा के निधन पर। 2 अक्टूबर से आमरण अनशन पर बैठे छाबड़ा ने मंगलवार सुबह राजधानी के SMS अस्पताल में अंतिम सांस ली। अब राज्य सरकार पर आरोप है कि शराब बंदी पर अनशन पर बैठे छाबड़ा की सुध मौजूदा सरकार ने नहीं। हरि सिंह जी शेखावत सर के जो यहाँ के मुख्यमंत्री थे और उपराष्ट्रपति रहे, उनकी बात को क्यों नहीं गौर फरमा रही सरकार, जो कहते थे कि जैसी भाषा सरकार समझे वैसी भाषा में जवाब दे जनता, लेकिन ये तो बता ही नहीं रही कि कैसे संवाद स्थापित हो बिना डायलॉग के। यदि किसी व्यक्ति को लोकतांत्रिक समाज में छोड़ दिया जाए सरकार के माध्यम से, न संवाद स्थापित किया जाए, न उनकी बात सुनी जाए, उचित अनुचित जो सरकार सोचती हो, लेकिन संवाद को स्थापित किया जा सकता था, उनकी कुशलक्षेम पूछी जा सकती थी। सूबे में शराबबंदी और मजबूत लोकायुक्त कानून बनाए जाने की मांग को लेकर छाबड़ा 32 दिन से अनशन पर थे। आखिर तक वो अपनी मांगों पर अटल थे, उन्होंने हिम्मत कभी नहीं हारी, लेकिन शरीर ने साथ छोड़ दिया। अब सवाल है कि क्या उनकी मांगों की जीवंत तस्वीर कभी सूबे में दिखाई देगी? जयपुर से समाचार प्लस के लिए नीरज शर्मा और पीयूष शर्मा की रिपोर्ट। तो गुरुशरण छाबड़ा की मृत्यु हो गई है, उनका शरीर जरूर खत्म हो गया है, लेकिन उनकी जो मांग है वो अब ज्यादा और मुखर हो गई है। अब आवाज उठ रही है कि जिस चीज को लेकर उन्होंने अनशन किया, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई, उसे अब जल्द से जल्द पूरा किया जाए। आखिरकार ये स्थिति क्यों बन गई, क्यों उनकी मृत्यु हुई, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। राजीव अरोड़ा उपाध्यक्ष हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की, चर्चा मेरे साथ जुड़ रहे हैं मुकेश दाधीच, प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी के निशा सिद्धू, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, साथ ही साथ निशा सिद्धू छाबड़ा वाले लोक संघर्ष मोर्चा में पदाधिकारी भी थी और उनके समर्थन में कई बार वो अनशन पर भी बैठी। आप तीनों का स्वागत है। और मेरे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आज के चर्चा की शुरुआत निशा सिद्धू आपसे ही करूंगा, आपका काफी उनके साथ काम भी आपने किया। किसको आप दोषी मानते हैं? आज अगर गुरुशरण छाबड़ा हमारे बीच नहीं है तो उसके लिए कसूरवार कौन है? धर्मराज जी देखिए, दोष तो सीधे सीधे सरकार पे ही आता है, क्योंकि 32 दिन तक कोई व्यक्ति भूख हड़ताल पे है और सरकार में संवादहीनता और संवेदनहीनता दोनों ही बने रहते हैं, तो वो लोकतंत्र नहीं राजतंत्र हो जाता है। और ये राजाओं का राज, महारानी का राज जैसा कहा जाता है, वैसा ही इसमें प्रत्यक्ष में प्रतीत हो रहा है, क्योंकि एक बार भी किसी मंत्री ने और सरकार ने, सरकार के किसी प्रतिनिधि ने बात करने की हिमाकत ही नहीं दिखाई और वो व्यक्ति अपनी जान से चला गया, तो ये लोकतंत्र के अंदर सीधे सीधे हत्या, मुझे लगता है कि हत्या हुई है गुरुशरण छाबड़ा जी की। और जिस बात के लिए वो लड़े और जिसके लिए वो संघर्ष करते रहे, आज कैसे कल से वो मंत्री जी सारे चक्कर काट रहे हैं भाई,
क्यों नहीं पहले इतने दिन तक वो बोले, क्यों नहीं सरकार के प्रतिनिधि बन के गए, और क्यों नहीं जब पिछले साल समझौता हुआ था 2014 के अंदर एक कहा गया था कि ये शराबबंदी को लेकर ये हम करेंगे, सरकार ने कहा था, तो सरकार ने क्यों उस पर अमल नहीं किया? आधा अधूरा, जितना भी आधे मन से बेमन से जितना भी करती, कुछ अंश तो उसके लागू करती, लेकिन अगर जान गई आज तो वो उसके लिए सीधे सरकार दोषी। बिल्कुल, एक बहुत मूल बात आपने कही है मुकेश दादी, उसका उस प्रश्न का जवाब मैं आपसे जरूर चाहूंगा। आज कई मंत्री उनके घर पहुंच रहे हैं, कई बड़े लोग पहुंचे। अगर ये 2 अक्टूबर से जब वो दोबारा अनशन पर बैठे थे उस वक्त से अगर ये दौर शुरू हो जाता तो शायद उनकी मृत्यु नहीं होती। उनको एक बार फिर से आप आश्वासन दे देते कि हम काम कर रहे हैं। आपने बात करना मुनासिब नहीं समझा धनराज जी? मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को बेहद संवेदना है आदरणीय छाबड़ा साहब के निधन से, लेकिन ये बिल्कुल सरासर झूठ है कि उनके साथ कोई डायलॉग नहीं हुआ। लगातार हमारे मंत्री आदरणीय अरुण चतुर्वेदी जी, राजेंद्र राठौड़ जी उनके लगातार संपर्क में थे, जो जो बातें उनके साथ हो रही थी वो बातें भी हुई है। लगभग उनके द्वारा बताए गए सुझावों पर सरकार ने काम किया है। लगभग 80-90% मांगे जो उन्होंने कही, पूर्ण शराबबंदी की मांग हम नहीं कर पाए, लेकिन जो जो बातें उन्होंने सुझाव के रूप में कही उनको करने का सरकार ने प्रयास किया है। और मैं आज के इस अवसर पर मुकेश दादीच लंबी तकरीर नहीं मित्र, मुझे प्रयास बताइए क्या क्या काम सरकार ने किए जो गुरचरण श्रावड़ा ने कहे थे, मुझे बताइए 1-2-3 काम। मैं ये कहना चाहूंगा सशक्त लोकायुक्त बने, इसलिए उनकी मांग थी। हमारे जो महाधिवक्ता है उनके नेतृत्व में सरकार ने एक कमेटी बनाई, कभी आप इनके साथ बैठ करके उसमें उनके खुद के लड़के उस कमेटी में मेंबर थे, 3-4 मीटिंगें इस कमेटी की हुई हैं और उसमें बहुत सारी चीजें निकल के आई हैं। ये बार बार शराबबंदी पर क्या किया, नोट के शराबबंदी पर क्या किया, शराबबंदी पे, शराबबंदी के मामले में मैं कहना चाहूंगा कि शराबबंदी हिंदुस्तान में अगर राजस्थान में लागू हुई तो जनता पार्टी की सरकार में लागू हुई, और उसको वापस अगर रिन्यू किया तो कांग्रेस के राज में किया। अब निश्चित रूप से सरकार ने उनसे समय मांगा कि राजस्थान की जो स्थितियां हैं उस स्थितियों में पूर्ण शराबबंदी लागू की जा सकती है नहीं की जा सकती, सारे को समझने के लिए समय चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी रेवेन्यू कहीं न कहीं का एक सोर्स जो है शराब है, इसमें कोई दुराय नहीं है। तो सरकार ने उनसे समय मांगा कि हम चरणबद्ध तरीके से इसको ठीक करेंगे और चरणबद्ध तरीके से कैसे कैसे इसको हम कम किया जा सकता है वो करने का प्रयास करेंगे। तो इस सब बातों के लिए बार बार सरकार ने उनसे आग्रह किया और सारे विषय उनके सामने रखे। मैं पेपर के साथ आपके साथ हूं कि क्या क्या प्रयास हमने किए, क्या क्या काम हमारे आने के बाद। ठीक है, आपकी बात हमने सुनी, आपकी बात हमने सुनी, उस पर गवाही निशा सिद्धू से लेंगे अभी। राजीव अरोड़ा जी, जी सर, जो बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर, उन बातों में कितनी सच्चाई दिख रही है? देखिए अमिताभ जी, सबसे पहले तो एक गांधीवादी विचारक जो समाज सुधार के लिए अनशन पे बैठा, 21वीं शताब्दी के अंदर ये बिल्ले उदाहरण होंगे जिसके अंदर कोई व्यक्ति अपना प्राण त्याग कर दे अपने आदर्शों के लिए, तो उनको पहले मैं नमन करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर संवेदनशीलता सरकार में होती और संवाद होता तो आज गुरचरण छाबड़ा हमारे बीच में होते और शायद एक वो जो सुधार करना चाहते थे समाज के अंदर, उसके लिए वो अपने सिद्धांतों के लिए अपनी बात कहते और लोग उनसे प्रेरणा लेते। तो मेरे ख्याल से परसों पहली बार सरकार के कोई मंत्री 30 दिन जब पूरे हो गए और जब सारे के सारे बड़े नेता जाकर उनसे मिल लिए, अखबारों में ये बात आ गई कि राज्य सरकार का कोई मंत्री कोई पदाधिकारी जाके नहीं मिला, तब उनसे पहली बार जाके मिले। ये बात सच है कि उन्होंने शायद पहले कोई कमेटी बनाई होगी, उसकी मीटिंग बुली होगी, लेकिन 2 अक्टूबर से लेकर और 30 अक्टूबर के बीच में किसी व्यक्ति को रिसर्जिंग राजस्थान के लिए तो पूरे प्रदेश के अंदर चक्कर लगाने का मौका मिल रहा है, दुनिया में जाने का मौका मिल रहा है, जयपुर सुंदरता के लिए बात करने का मौका मिल रहा है, लेकिन पूर्व विधायक जो कि खुद की जनता पार्टी के थे जिसके अंदर भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनसे जाके मिलना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी। अगर उनको ये कहा जाता कि सरकार की नीयत है वो कंट्रोल करेगी, महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, बच्चों पर अत्याचार होते हैं अगर शराब पीने के बाद, तो हम इसके जल्दी ही उसको बंद करा करेंगे, हम प्रोत्साहन नहीं देना चाहते शराब को, हम हतोत्साहित करेंगे,
हम कोने कोने के ऊपर हर रेस्टोरेंट के अंदर शराब नहीं बेचेंगे, कुछ भी बात करी जाती तो मेरे को पूरा विश्वास है कि उनकी बात को सुनते और अपना आंसर वापस ले सकते थे, लेकिन संवादहीनता की कमी के कारण आज हमने एक कर्मयोगी खो दिया। निशा सिद्धू, मुझे जल्दी से गवाही दीजिए, ये बात जो मुकेश दादीज कह रहे हैं कि बहुत सारी बातचीत जारी थी लगातार, ये बात सच है झूठ, फिर मैं बोलू। ये बात बिल्कुल गलत है। 26 जून 2014 को एक हाई पावर कमेटी गठित हुई थी जब उन्होंने 45 दिन की भूख हड़ताल की है। यहाँ सवाल अंसार जी, जो मैं करना चाहती हूँ कि इरोन शर्मिला पिछले 15 साल से भूख हड़ताल पे है, वो आज तक उसकी जान नहीं गई, क्योंकि वहां की सरकार को अगर आवश्यकता पड़ती है तो फोर्स फीडिंग भी करती है, उनको लिक्विड भी देती है, तो क्या हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं की जा सकती थी, उनकी जान नहीं बुझाई जा सकती? गांधी जी ने कितनी बार भूख हड़ताल की और लोग भी भूख हड़ताल पे बैठते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से वो प्रयास नहीं किए गए हैं, इस वजह से उनकी जान गई है। ठीक है मुकेश दादी जी, मैंने सबको सुना, जो हुआ वो शर्मनाक है, मान लीजिए उसी में अच्छाई है, आपके पक्ष पर गलती हुई है, जब तक आप ये मानेंगे नहीं ना तब तक और दलदल में फंसते जाएंगे। मसला कांग्रेस का नहीं, कांग्रेस थोड़ी ना गांधी जी का अवतार है, आज की कांग्रेस गांधी जी का वर्जन तो है नहीं, इसलिए इनकी ओर मत देखिए, अपने बारे में सोचिए, आपके बारे में जनधारणा आज अच्छी नहीं बनी, कतई नहीं बनी। जो लोग भक्त हैं उनको छोड़ दीजिए, सामान्य जन से जाके पूछिए, वो आपकी कमी बताएगा, उसके लिए अमिताभ अग्निहोत्री को सुनने की जरूरत भी नहीं। आम आदमी से जाके पूछ लीजिए राजस्थान में कि भैया हमारी गलती है क्या, वो आपको गलती गिना देगा। निशा सिद्धू की जरूरत नहीं, राजीव अरोड़ा की जरूरत नहीं, दीवार पर लिखी इबारत को पढ़िए। आज सवाई मानसिंह अस्पताल में गौहत्या हो गई, ये जान लीजिए गौहत्या हो गई, ये उतना ही बड़ा पाप है। कैसे मर गए आदमी, 30 दिन अनशन कैसे चला, कहां थी जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार, कहां था शासन, कहां था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जयपुर का, कहां था? ये जिम्मेदारी होती है, कोई आदमी टंकी पर चढ़ जाता है पानी की कि मैं कूद जाऊंगा, हमको नौकरी नहीं मिली तो उसको उतारते हैं ना पुलिस वाले, हम लोग उतारते हैं ना शासन, दादी जी उतारते हैं ना कि कहते कि कूद जा बेटा, नहीं ना। निशा सिद्धू ने उदाहरण दिए, सच बात है, जो लोग अनशन पर बैठते हैं उनकी प्राण रक्षा की जिम्मेदारी तो शासन की है ना, नहीं है? दंभ छोड़िए मित्र, दंभ बहुत ज्यादा है, शासन को दंभ नहीं होना चाहिए। क्या गलत मांग कर रहे थे क्या? मैं समझता हूं व्यवहारिक असुविधाएं शराबबंदी को लेकर, मुझे पता है, उसके व्यवहारिक पक्षों से मैं वाकिफ हूं, लेकिन मजबूत लोकपाल आए ये तो 100% होना चाहिए था, इसमें क्यों शिथिलता हुई? कर देते आधी बात तो पूरी होती। दूसरी बात, दो बातें हैं इसमें देखने वाली मुकेश भाई, मैं न भाजपा के पक्ष में हूं न कांग्रेस के पक्ष में हूं न किसी के खिलाफ हूं, मैं वहां खड़ा हूं जहां राजस्थान खड़ा है। आप पूर्ण शराबबंदी लागू नहीं कर सकते, उस तर्क को मैं समझता, किसी भी सरकार के लिए मुश्किल काम है, लेकिन आप उसके उल्टे चलने लगे, शराब को प्रोत्साहन की नीति पर काम करने लगे, यह भी फिर गलत है। आपने जगह जगह दुकानें क्यों खोली शराब की, आपने नियमों में शिथिलता क्यों दी? मैंने दिखाई खबरें, दुनिया की कहानी छोड़ो, क्या करी कांग्रेस और क्या करी निशा सिद्धू, मैंने दिखाया 12 साल का बच्चा बार में दारू सर्व कर रहा है, मैंने दिखाया जयपुर में, उस पर मैंने बुलेटिन किया, तमाशा है क्या? 12 साल का बच्चा, कैसे परिस्थिति बनी, क्यों नहीं सील हुआ? मैंने दिखाया सरकारी स्कूल में दारू की पेटियां, गोदाम बना दिया। मैंने खबर दिखाई, ध्यान से सुनिए मेरी बात, मैंने खबर दिखाई एक राजकीय विद्यालय कि चार दीवारी से लगे लगा के आपने ठेके का परमिशन दे दी, दारू का ठेका खोल दिया वहां, स्कूल की चौहद्दी से जोड़कर। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पता थे आपको? छोड़िए छाबड़ा जी को,
पता था ना कानूनन रोक है मंदिर धार्मिक स्थल और शैक्षणिक संस्थान और अस्पताल इनके एक बड़े दायरे के भीतर शराब की दुकान नहीं हो सकती, ये तो पता था ना आपको। किन किन मूर्ख लोगों ने यह अनुमति दी, उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई हुई? कहीं आपने देखा स्कूल की बाउंड्री से लग के शराब की दुकान का परमिशन दी गई हो? मुकेश दाधी जी, मुझे कहते हुए अफसोस है, क्या शराब की दुकान अपने आप तो नहीं खुल सकती ना? मूंगफली बेचने का ठेला कोई अपने मन से भी लगा सकता है, लेकिन शराब की अनुमति तो बिना आपकी चिट्ठी के नहीं कोई खोल सकता ना। कैसे चिट्ठी मिली? इसलिए गुरशन छाबड़ा का अनशन करना जायज है। आप रोक नहीं रहे, वहां तक बात समझ में आती है? आप तो प्रोत्साहन देने की नीति पर चल गए, मैंने इतने उदाहरण दिए, यह तरीका ठीक नहीं है। उनकी तो जान गई एक बड़े उद्देश्य के लिए, अमर हो गए, लेकिन राजस्थान का आवाम इस शराब के प्रवाह से रोज तबाह हो रहा है, जान लीजिए। घर में मां बहन बेटियों के लिए जीना मुश्किल हो रहा है, कोई अच्छी चीज नहीं। रेवेन्यू वाला पार्ट समझ में आता है तो उसको प्रतिबंधित जोन में रखो ना शराब को, कि फ्री फॉर ऑल कर देंगे। कल को कोई ऐसी सरकार आ जाएगी जो नीति बना देगी कि परचून की दुकान पर और मदर डेयरी पर भी शराब मिलेगी, बोले रेवेन्यू कम पड़ रहा है थोड़ा ज्यादा बढ़ाना है। दादी जी, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए क्या हम मदर डेयरी के बूथ पर या सरस के बूथ पर भी शराब के पाउच बांटने लगे तो उससे रेवेन्यू ज्यादा बढ़ जाएगा? दादी जी, मुकेश भाई, अमिताभ जी, मैं कहना चाहूंगा कि शराब के मुद्दे पे राजस्थान का अगर पुराना परिदृश्य अपन देखेंगे तो जब ठेका प्रथा थी, ठेकेदारों के द्वारा जब शराब के काम होते थे तो कितनी अवैध शराब का काम होता था वो हम सबको जानकारी में, आपकी जानकारी में भी होगा। मैं कहना चाहूंगा गुरुचरण छाबड़ा साहब के साथ बात होने के बाद सरकार ने, उन्होंने जो बिंदु सुझाया, जैसे आपकी जानकारी के लिए देना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि आप शराब के ठेके खोलने की परमिशन का काम ग्राम पंचायत और नगर पालिका को दीजिए। हमने फैसला किया ग्राम पंचायत और नगर पालिका को, दोनों आप जो करें उसको तय करते हैं, कि वो डीओ के साथ बैठ करके ग्राम पंचायत और नगर पालिका दोनों तय करेंगी कि कौन से स्थान पर शराब की दुकान खुले। इसलिए मैं कहना चाहूँ कहीं न कहीं जो मांगे उन्होंने रखी उसमें सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उस दिशा में कदम उठाए हैं, ये बात निश्चित रूप से है कि बहुत सारे कदम जो उठाए जाने चाहिए वो नहीं उठा पाए। मुकेश भाई, मुकेश भाई, अगर राजीव अरोड़ा अनशन पर बैठते तो मैं ये मान भी लेता कि इनकी कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी हो सकती है इसके पीछे। छाबड़ा जी को तो टिकट नहीं लेनी थी ना आपसे ना इनसे, आप जब सब अच्छा कर रहे थे तो उन्होंने प्राण क्यों दे दिए? ये बात गले नहीं उतरती मित्र, मैं कागज पत्तर आप जानो, लेकिन हमारे जैसे कम समझदार आदमी के गले नहीं उतर रही बात, इसलिए सूबे तक मैं उस बात पे मैं इस बात पे बिल्कुल राजनीति करना नहीं चाहता, मैं पार्टी राजनीति करना चाहती। आपकी बात बिल्कुल सही है, बार बार उनसे डायलॉग हो रहा था, डायलॉग हुए इसमें भी कोई दोराय नहीं है, लेकिन मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री जी इतनी बार उनसे दो या तीन बार मिले भी हैं, कभी उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये नहीं कहा कि आपको जाननी, आपको इस सारे ठीक अनशन आपने किया, सरकार को इंटीमेट कर दिया आपने। आज इस प्रकार की राजनीति राजस्थान में करना ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है किसी व्यक्ति। इसमें दोषी बताइए। देखिए बिल्कुल भी राजनीति हो नहीं रही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गए तो उनका जो बयान आया, जब पत्रकारों से पूछा तो उन्होंने कहा कि सरकार को उनकी सुध लेनी चाहिए, कोई मंत्री जाना चाहिए। मैं मुकेश जी से पूछना चाहता हूँ 30 अक्टूबर से पहले और अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में कितने मंत्री गए, जवाब दे दीजिए कितने मंत्री कब जाके मिल के आए। मैं राजीव जी भाई साहब, मैं यही कहना चाहता हूँ, ऑन रिकॉर्ड है अरुण चतुर्वेदी जी नहीं करते उनसे इन दिनों में 8 से 10 बार मिले हैं, बिल्कुल नहीं मिले 30 अक्टूबर से इस बीच में ऑन रिकॉर्ड। मुकेश जी, ना आप ना राजीव भाई कोई उनके साथ तो काम करने रहे थे, निशा सिद्धू उनकी वॉलेंटियर थी, निशा सिद्धू क्या अरुण चतुर्वेदी फ्रीक्वेंटली विजिटर थे?
नहीं, जब ये पता लग गया कि बिल्कुल वो फ्लैट हो गए हैं और गए दुनिया से, हमें तो यहाँ तक सूचना है कि कल मुख्यमंत्री जी के यहाँ से जो प्रेस नोट कल सुबह 9:15 बजे रिलीज हुआ, उसमें उन्होंने शोक प्रकट कर दिया था कि वो जा चुके हैं दुनिया से। उसके बाद वेंटिलेटर पे उनको पंपिंग देते रहे हैं और ये तब से कल दिन भर ये लोग गए हैं वहां पे चक्कर कटे, लेकिन उससे पूर्व नहीं जाते थे, ना कुछ मिले। और ऐसा होता तो उनको फोर्स फीडिंग दी जाती, उनको ऐसा लिक्विड दिया जाता, उनको जिंदा रखा जाता, ऐसा नहीं। और जब पहले उनको पुलिस ने उठाया तब स्वाइन फ्लू वाले वार्ड में डाल दिया गया, तब भी मीडिया और हम लोगों ने हंगामा किया, तब जाके स्वाइन फ्लू के वार्ड से बाहर निकाला था। तो इसलिए सरकार तो इस बात पे चुप ही रहे जैसे पहले चुप थी, उसी में बुलाई है। सवाल कह रहा है जी राजीव भाई, अमिताभ जी पिछली बार जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, वो अनशन पे बैठे हुए थे, उसे मुझे भी जाके उनसे मिलने का मौका मिला था, मैंने उनसे अनुरोध करा था, उनसे बात करी थी, उनको बताया था किस तरीके से हम लोगों ने शासकीय लोगों को मेन स्कीम में लाने की कोशिश करी है, अवैध शराब को बंद कराने की पूरी कोशिश की जा रही है, सारे जो दुकानें आठ में बंद हो जाएंगी। उन्होंने हमारी बात को सुना था और उस वक्त उस बात को मानकर उन्होंने अनशन तोड़ा था। मेरे ख्याल से इस बार उनसे बिल्कुल किसी ने मिलने की कोशिश नहीं करी, न सरकार की नीयत बताने की कोशिश करी गई। सरकार के सबसे ऊपर के जो मंत्री हैं, अधिकारी हैं, उनसे जाके कभी मिले नहीं। अगर वो ऐसा करते तो आज गुरशरण छाबड़ा हमारे बीच में होते, सीधे सीधे सरकार के ऊपर आरोप लगता है कि राजीव उनकी वजह से छाबड़ा हमारे बीच में नहीं रहे। मुकेश जाधी जी, निशा सिद्धू की बात पर हम यकीन नहीं करें, राजीव अरोड़ा की बात पर हम यकीन नहीं करें, लेकिन आपके सरकार से उनकी कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, जो जिस चीज का जिक्र निशा जी ने किया कि उन्होंने कहा कि मुझे स्वाइन फ्लू के वार्ड में रख दिया गया, मुझे मानसिक तौर पर तोड़ा गया, मैं जहां पर मुझे रखा गया उसके आसपास ऐसे मरीज थे, हर दूसरे दिन किसी की मृत्यु हो रही है, तो मुझे तोड़ने की कोशिश की जा रही है, ऐसे आरोप उन्होंने लगाए थे आप पर? मुकेश दादी जी, धर्मराज जी मैं ये कहना चाहूंगा कि मीडिया एक दर्पण है और मीडिया खुद इस बात की सच्चाई का पता करे कि वास्तव में कोई मंत्री गया या नहीं गया। मैं आपको कह रहा हूं क्योंकि मैं तथ्यात्मक बात कर रहा हूं। अरुण चतुर्वेदी जी उनके 2 दिन पहले भी उनसे मिले हैं, उसके बाद भी उनकी सारे डायलॉग सीएम को अरुण चतुर्वेदी जी ने बताया कि साहब ऐसे ऐसे सारी चीजें हुई हैं, कहीं सरकार की ओर से इस प्रकार की, मैं कहता हूं गुरुचरण छाबड़ा साहब तो अपने आप में हमारे एक्स एमएलए रहे, सब बात है। सरकार कभी नहीं चाहती कोई सामान्य से आदमी भी और सरकार की लापरवाही के कारण से मर जाए, ऐसी कोई सरकार नहीं चाहती, और दुनिया में शायद ही कोई सरकार होगी जो ये चाहती होगी कि मेरी जनता मर जाए। चलिए, अनगढ़ंत आरोप जो है आज के दिन कम से कम इस तरह है, लेकिन इसकी हम जांच जरूर करवाएंगे। लेकिन सवाल अभी भी पीछे छूटा हुआ है कि अनशन को खत्म करवाने की कोशिश क्यों हुई, 32 दिन तक अनशन पर रहे, ये सवाल हमेशा बरकरार रहेगा। अमिताभ जी संपादकीय टिप्पणी। मुकेश भाई, ये अदालत नहीं है, बहस का मसला नहीं, ठीक है ना। जनभावना को समझिए, जनता की धारणा आज राजस्थान में ये है कि आपने उतनी केयर नहीं की, आपने उतनी करुणा, उतना सद्भाव, उतनी जिम्मेदारी नहीं दिखाई जो दिखानी चाहिए थी आपको। इस बात को मानिए। और लाख टके का सवाल, प्रशासन के पास यह वैधानिक अधिकार है कि अगर कोई प्राण त्यागने को हो तो उसको फोर्सफुली वहां से हटा दिया जाए और ऐसी जगह रख दिया जाए जहां उसके शरीर के अवयव काम करें, उतनी ताकत की चीजें उसके देह में पहुंचे। इस सरकार को, प्रशासन को यह लीगल राइट हासिल है। राजीव भाई हासिल है, तूने बोला ठीक है ना, जब हासिल है तो यह काम जयपुर के कलेक्टर ने क्यों नहीं किया? उसको अकल नहीं क्या, या आपका इशारा नहीं था, या तो वो मूर्ख, और कलेक्टर मूर्ख हो यह मैं मान नहीं सकता, सिविल सर्विसेज पास करके आया है, यह तो मैं मान नहीं सकता। क्या आपके इशारे का इंतजार था, तो आपका इशारा क्यों नहीं हुआ? यह सवाल है जो आपका पीछा करेंगे मित्र, यह सवाल अनंत काल तक पीछा करेंगे। एक ऐसा तपस्वी जिसका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, एक पवित्र कार्य के लिए, एक पवित्र उद्देश्य के लिए उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी, और हमने कहा कि ठीक है बाबा, जाते हो तो जाओ, आपकी मर्जी। हमने यह भाव रखा कि हम ना यह कह रहे जाओ, ना कह रहे रुको, आपकी मर्जी, जाना हो तो जाओ। तो क्या करेगा आदमी, फिर तो जाना ही पड़ेगा ना।
अन्ना बैठे थे अनशन पर दिल्ली में, दादी जी ये जिम्मेदारी सरकार ने ली थी ना कि अन्ना के किसी कोई दुर्घटना ना घट जाए, एम्स के बीसीयू डॉक्टर्स का एक पैनल हमेशा तैनात रहा ना उनके लिए कि ऐसी परिस्थिति नहीं बने कि बुजुर्ग व्यक्ति कहीं शहीद हो जाए, किया ना? जब जब उनका बीपी एकदम फ्लक्चुएट किया और लो पे गया तो ये कुछ ऐसा किया गया ताकि वो उनके ऑर्गन्स काम करते रहे, ऐसी परिस्थिति आपने क्यों नहीं निर्मित की? ये बड़ा सवाल है। आपके इरादे अच्छे हैं या बुरे हैं, अब इस बहस का कोई अर्थ बचा क्या? जब वो आदमी प्राण त्याग गया तो अब आप दो अगरबत्ती ज्यादा भी जलाओ उनकी फोटो के सामने तो उससे क्या होगा बताओ? कुछ होगा नहीं ना? ये सवाल तो पीढ़ियां पूछेंगी। अशोक गहलोत जी के साथ आप राजनीतिक प्रतिद्वंदिता करो समझ आती है, सचिन पायलट के साथ करो वो आपके साथ करें समझ आती है, गुरशरण छाबड़ा तो कहीं चुनाव के प्रत्याशी नहीं थे ना, बाढ़ से लेकर लोकसभा तक किसी पार्टी से ना कोई अपनी पार्टी बना रहे थे, वो तो संत हो गए थे। इसीलिए मैंने एक भी बार पूर्व विधायक का डेजिग्नेशन का उल्लेख ही नहीं किया। विधायकी तो छोटी चीज है, जाने कैसे कैसे विधायक हो जाते ना दधीज भाई, जाने कैसे कैसे विधायक हो जाते हैं जो पहले चोरी में बंद रहे, तस्करी में बंद रहे, शराब के मामले में बंद रहे, जमीन कब्जा करने में बंद रहे, वो भी विधायक सांसद हो जाते हैं, उसका क्या मतलब? इसलिए मैंने विधायक शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया। पूर्व विधायक का कोई मतलब नहीं, कोई गंदी थोड़ी ना हो गए पूर्व विधायक हो गए, तो लाखों लोग इस देश में पूर्व विधायक है, उसका क्या मतलब? कल तक साइकिल चोरी में पकड़े गए आज विधायक हो गए, इसका क्या मतलब? कुछ नहीं। वो आदमी ऐसा था जिसने समाज के लिए प्राण दे दिया, हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई क्या? मेरा उत्तर है नहीं निभाई मित्र। क्या कागज कहता है मैं नहीं जानना चाहता, कागज क्या कहता है नहीं जानना चाहता। और एक बात कहूं मुकेश भाई, जनता की सोच और आंखों देखी और कागज का अंतर बताऊं आपको, गौर से सुनिएगा। उस वक्त पता नहीं आप कितनी आयु रही होगी, जब इमरजेंसी के बाद मुरारजी भाई की सरकार आ गई तो मुरारजी भाई ने शाह कमीशन बना दिया इंदिरा गांधी के खिलाफ। सबको पता है कि इमरजेंसी में घनघोर अत्याचार हुआ था, सबको पता है, मुझे भी पता है क्या क्या हुआ उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन हिंदुस्तान की कोई निर्णायक अदालत इंदिरा गांधी को अंतिम तौर पर दोषी तो नहीं ठहरा पाई ना, लेकिन अत्याचार तो हुई तो सच है, अदालत ने आपको सजा नहीं दी, इसका क्या मतलब? ये तो सोचना पड़ेगा। अयोध्या में ढांचा टूटा, सजा तो किसी को नहीं हुई, तो क्या नहीं टूटा ढांचा? यूनियन कार्बाइड से गैस रिसीव, 30,000 लोग मर गए भोपाल में, क्या नहीं मरे थे? मरे थे ना। सजा तो एंडरसन को नहीं हुई, तो क्या एंडरसन को छोड़ दे ये कहने के तू भले आदमी हो? नहीं ना, जनता दोषी मानती है एंडरसन को, जनता दोषी मानती है इंदिरा जी को 77 इमरजेंसी के लिए। ऐसे बहुत सारे सवाल है, जनता दोषी मानती है आप लोगों को, उन्मादी लोगों को, अयोध्या के 6 दिसंबर 1992 के लिए। अदालतें क्या कहती है वो अलग सवाल है। छावड़ा जी का जो देहदान है, जो प्राणदान है, ये सबक सीखने का अवसर है मित्र, बहस का नहीं। अब भी सबक सीख लीजिए। छावड़ा जी तो शराब पी नहीं रहे थे ना, उनके घर में कोई उनका नाती पोता पी रहा था, उनका घर तबाह हुए जा रहा था, किसके लिए लड़ रहे थे? हमारी आपकी संतानों के लिए, हमारे आपके भविष्य की पीढ़ी के लिए, अच्छा शासन हो, स्वस्थ राज्य हो, यही कह रहे थे ना। अब कोशिश करिए, निर्णायक कोशिश करिए, उनका एक स्मारक इस रूप में बनना चाहिए, मिट्टी का स्मारक नहीं, सीमेंट का स्मारक नहीं, इस रूप में बनना चाहिए कि राजस्थान की सरकार शराब के प्रोत्साहन से दूर खड़ी दिखनी चाहिए हर सूरत में, और एक सक्षम और प्रभावकारी परिणामकारी लोकायुक्त राजस्थान में दिखना चाहिए 90 दिन के भीतर। आप इतना कर लीजिएगा तो मैं राजीव अरोड़ा जी के, निशा जी के आरोपों से आपको बरी करूंगा। मैं कहूंगा जो हुआ सो हुआ, अब छोड़ो, आगे अच्छा काम किया। छावड़ा जी स्वर्ग से जब देख रहे होंगे तो मुस्कुराएंगे कि चलो नादान थे, बाद में समझ में आया, लेकिन आ तो गया। अभी भी वक्त है मित्र, इन 7 करोड़ की आबादी के लिए वो करिए जो ये संत कह के गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज की सरस्वामी अभिवस इतना ही। राजीव अरोड़ा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
मुकेश दादी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, निशा जी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल बिग बुलेटिन में अभी बस इतना ही।